गणेशधारी कैसे बन सकता है, गणेश गणवेशधारी कैसे बन सकता है, 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 गणवेशधारी कैसे बन सकता है। जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। गणवेशधारी कैसे बन सकता है, 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 कैसे बन सकता है, कैसे बन सकता है, कैसे बन सकता है। जवाब दो, 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 जवाब दो। गणवेशधारी कैसे बन सकता है, गणवेशधारी कैसे बन सकता है, गणवेशधारी कैसे बन सकता है। विरासती देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपको बता दें कि दोबारा से जो है आज अशोक गुप्ता जो है सड़कों पर उतर आए हैं, और क्या ही कुछ वजह है आई एनी से जानते हैं। लेकिन आपको बता दें कि आप नारेबाजी जो है साफ साफ अपनी स्क्रीन पर जो है सुन सकते हैं, लेकिन कहते हैं क्या ही कुछ वजह है ये सड़कों पर उतर नहीं की जाइए, आज इन्हीं से जानते हैं। अशोक गुप्ता जी से बातचीत करेंगे। ये सारा कार्यक्रम जो मैं कर रहा हूँ, ये गणवेश है जी, देश के प्रधानमंत्री ने डाली, और ये प्रचारक रहा 45 वर्ष। देश का प्रधानमंत्री है, परिवार साथ में नहीं है। देश का प्रधानमंत्री है, माता पिता माता साथ में नहीं है, भाई साथ में नहीं है। कभी देश के प्रधानमंत्री के विषय के अंदर सुना कि दिल्ली के अंदर उसके साथ कौन रहता है, उसका भाई रहता है, उसका नहीं रहता, माँ रहती है, लेकिन उसको भी छोड़ने का प्रयास नहीं किया जा रहा। अहंकारी शब्द, वो अहंकारी है। हाँ वो अहंकारी है, क्योंकि उसने उड़ीसा जीता, जगन्नाथ जी का स्थान 70 वर्ष के अंदर कभी पार्टी ने नहीं जीता, लेकिन उसने जीता। चंद्रबाबू नायडू के साथ आंध्र प्रदेश के अंदर सरकार बनाई, इसलिए वो अहंकारी है। 30,000 लोग खीर भवानी के दर्शन करने के लिए गए, इसलिए अहंकारी है, इसलिए अहंकारी है कि उसने अपने माता पिता भाई भतीजाबाद उनको नौकरी नहीं दी, इसलिए अहंकारी है। और प्रचारक जिसने त्याग दिया, 40 वर्ष जो मांग करके रोटी खाता रहा, जिसने अपने अपने पैसों से रोटी नहीं ली, मांग करके रोटी खाई प्रचारक के दिनों के अंदर, और उसको इनकारी शब्द के साथ कहने का प्रयास किया जा रहा है। मैं इसका विरोधाभास प्रकट करता हूं। और उत्तर प्रदेश के अंदर 62 सीटें लाने वाला पक्का इनकारी है, राम मंदिर बनाने वाला अहंकारी है। और राम मंदिर के अंदर जब इनॉग्रेशन हुई सबने मिलकर के करी, वो अहंकारी है। शब्द कहने से पहले हमको 10 बार विचार करने का प्रयास करना चाहिए, इसलिए मैं बड़े कुछ बातें स्पष्ट करना चाहता हूँ जी। ये अहंकारी शब्द देश के प्रधानमंत्री के लिए कहना सरासर गलत है, इसके विषय के अंदर हमको पूर्ण विचार करना चाहिए। और जिसने अपना सर्वस्व लौटा दिया, जिसने अपना सब कुछ छोड़ दिया, जिसने माता पिता भाई बहन उसको पता ही नहीं है कौन है, कभी कोई स्कैंडल हुआ उसके परिवार के अंदर, आज खड़े होकर के हम कह सकते हैं कि हम देश के अंदर जीने वाला हिंदू है। उस स्तर पर लाने का प्रयास किसने करा, जिसको अहंकारी कहा जा रहा उसने करा। इसलिए मैं अहंकारी शब्द कहने वालों से कहना चाहता हूं कि वो तुम्हारे से निकला हुआ एक प्रचारक है, और प्रचारक इस गणवेश के अंदर ये इसको कहां से इनकार आना, मांग करके रोटी खानी है, अपने पल्ले का तेल नहीं होना, कहां से इनकार आएगा। तो आपको बता दें कि अशोक गुप्ता का जो